हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का हिंदी विषय, जिसका लेसन नंबर 4 त्योहारों का देश हमने पढ़ लिया था। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और आज हम करेंगे इस लेसन के कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ, जो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करने हैं, नोटबुक में नोट करने हैं बढ़िया तरीके से साफ साफ। तो सबसे पहला है हुलसना। तो हुलसना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, खुश होना। यानी तो हुलसना का अर्थ होगा प्रसन्न होना। आगे है गाथा। गाथा का अर्थ होता है कहानी। गाथा का अर्थ होता है कहानी। आगे है खुशबू। खुशबू का अर्थ होता है सुगंध या महक। सुगंध या महक। आगे है मल्हार। मल्हार का मतलब होता है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग। मल्हार क्या होता है? वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग। रसधार। रसधार का अर्थ होता है रस की धारा। रसधार का अर्थ क्या होता है? रस की धारा। भावन। मन भावन। मन भावन शब्द पढ़ा था ना अपने लेसन के दौरान। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। मन भावन। भावन का मतलब होता है अच्छा लगना, मन को अच्छा लगना। मन भावन मन को अच्छा लगना। तो भावन शब्द का अर्थ क्या होगा? अच्छा लगना। आगे है छा। छा जाती है या फैल जाती है। तो छाना का मतलब क्या होता है? फैलना। छा का मतलब क्या होता है? फैलना। आगे है खुशी। खुशी का अर्थ क्या होता है? प्रसन्नता, हैप्पीनेस। आगे है आज़ादी। आज़ादी का अर्थ होता है स्वतंत्रता। पढ़ा था ना आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। तो आज़ादी का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता होता है। आज़ादी का अर्थ क्या होता है बेटा? स्वतंत्रता। तो आज़ादी का अर्थ क्या होगा? स्वतंत्रता, जो कि हम कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। आगे है मन। मन का अर्थ होता है चित्त या हृदय। मन का अर्थ क्या होता है? चित्त या हृदय। क्या अर्थ होगा? चित्त या हृदय। आगे है वर्ष। वर्ष का अर्थ होता है साल। वर्ष का अर्थ क्या होता है? साल। आगे है दिवाली। दिवाली का अर्थ होता है दीपावली, है ना? दीपावली मनाते हैं ना। दीपावली पर दीपदान फुल जड़ियाँ घील बताशे हैं, धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है, ना? पढ़ा था ना आपने। तो दिवाली कौन सा त्यौहार होता है भाई? दीपावली। दिवाली भी कह देते हैं और इसको दीपावली भी कह देते हैं। आगे है भांति। भांति का मतलब होता है अच्छा लगता है, अच्छा लगना, है ना? मीठी खीर सवैयाँ सबके मन को भाती है। तो भांति का मतलब होता है अच्छी लगती हैं। तो भांति का मतलब क्या होगा? अच्छा लगना। आगे है उपहार। तो उपहार का मतलब क्या होगा? सौगात या गिफ्ट वगैरह भी कह सकते हैं। उपहार पुरस्कार, है ना? तो उपहार का मतलब होगा सौगात या गिफ्ट। तो ये तो थे आपके शब्दार्थ। दोबारा फिर देख लो। हुलसना। हुलसना का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न होना। फिर है गाथा। गाथा का क्या होगा? कहानी। फिर है खुशबू।
खुशबू का अर्थ क्या हो जाता है? सुगंध या महक। आगे है मल्हार। मल्हार क्या होता है? वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग। विभिन्न मौसमों में विभिन्न प्रकार के राग गाए जाते हैं, तो मल्हार एक राग है जो कौन सी ऋतु में गाया जाता है? भी वर्षा ऋतु में, पावस ऋतु में गाया जाता है। आगे है रसधार। रसधार का मतलब होता है रस की धारा। किसकी धारा? रस की धारा। भावन। भावन का मतलब होता है अच्छा लगना। छा। छा का मतलब होता है फैलना, छा जाती है, फैल जाती है। खुशी। खुशी का मतलब होता है प्रसन्नता। आज़ादी। आज़ादी का अर्थ होता है स्वतंत्रता। मन। मन का अर्थ होता है चित्या हृदय। वर्ष। वर्ष का अर्थ होता है साल। आगे है दिवाली। दिवाली का अर्थ होता है दीपावली। भांति। भांति का मतलब होता है अच्छा लगना। आगे है उपहार। उपहार का मतलब होता है सौगात या गिफ्ट भी कह सकते हैं, पुरस्कार भी कह सकते हैं, इनाम भी कह सकते हैं। उपहार दिए जाएंगे, इनाम दिए जाएंगे, कहते हैं ना कई बार, तो उपहार का मतलब सौगात। आगे है उच्चारण के लिए, यानी कि इनको उच्चारित करना है, आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखना है, उच्चारण भी करना है। लोकतंत्र। दूसरा है बासंती। आगे है मल्हार। फिर नेक्स्ट है त्योहार। फिर है तमाशे। फिर है मुबारक। और इसके पश्चात आ जाता है क्रिसमस। क्रिसमिस नहीं होता, क्रिसमस होता है, भी ध्यान रखना। इसीलिए इसने उच्चारण के लिए इन शब्दों को लिखा है कि इनका उच्चारण सही करना चाहिए। तो पहला लोकतंत्र, बासंती, मल्हार, त्योहार, तमाशे, मुबारक, क्रिसमस। अब आगे है सोचें और बताएं। सोचें और बताएं में क्या है? कुछ प्रश्न है भी, इन प्रश्नों को अभी आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में बढ़िया तरीके से क्या करना है भी? नोट करना है, साफ साफ लिखना है। तो सोचें और बताएं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, त्योहारों का देश किसे कहा जाता है? क्या है पहला प्रश्न? त्योहारों का देश किसे कहा जाता है? तो उत्तर में लिखोगे, त्योहारों का देश भारत को कहा जाता है। त्योहारों का देश भारत को कहा जाता है। दूसरा है, आज़ादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दिलाता है? आज़ादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दिलाता है? तो इसमें लिखोगे आप, आज़ादी के दिन तिरंगा हमें वीर शहीदों की याद दिलाता है। किसकी याद दिलाता है? वीर शहीदों की याद दिलाता है। वीर शहीदों की याद दिलाता है। किसकी याद दिलाता है? आज़ादी के दिन तिरंगा हमें वीर शहीदों की याद दिलाता है। आगे है प्रश्न नंबर 3, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, गणतंत्र दिवस हर वर्ष, गणतंत्र दिवस हर वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस हर वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो बच्चों, इनका अलग अलग महत्व क्या है? 15 अगस्त
स्वतंत्रता दिवस यानी कि इस दिन हम स्वतंत्र हुए थे। कब स्वतंत्र हुए थे? 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ था। किसकी? अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ था। इसलिए हम 15 अगस्त हर वर्ष 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो प्रश्न इसने पूछा है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस हर वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस का क्या महत्व है? गणतंत्र दिवस का महत्व यह है कि इस दिन 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान, हमारा जो विधि विधान है, नियम है, कानून कायदे हैं देश के, वो लागू हुए थे। इसलिए गणतंत्र दिवस हर वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बाकी जो इस लेसन के प्रश्न उत्तर बचे हैं उनको हम करेंगे कल। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। ये जो प्रश्न और शब्दार्थ और उच्चारण के लिए जो करवाए गए हैं, आप इनको बढ़िया तरीके से अपनी अभ्यास पुस्तिका में साफ साफ अक्षरों में सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट करोगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।